आपको अपने जियो फोन का बीच वाला बटन दबाना है। आपको सेटिंग ओपन कर लेनी है। इसके बाद डिवाइस पे चले जाएंगे और स्क्रॉल डाउन करेंगे तो सेट फोन का ऑप्शन आपको देखने को मिलेगा, तो आप इसको क्लिक कर लेंगे बीच वाला बटन दबा के। आपको कुछ इंस्ट्रक्शन देखने को मिल जाएगा, आप इसको पढ़ लेंगे और रीसेट का बटन दबा देंगे तो आपका फोन जो है रीसेट होना स्टार्ट हो जाएगा। रीसेट मोस्टली तब करते हैं जब आपके मोबाइल का डेटा आपको पूरी तरह से उड़ाना होता है, तो उस कंडीशन में आपको फोन रीसेट करना पड़ता है। या फिर तब करते हैं जब आप अपना मोबाइल किसी और को बेच रहे होते हैं, तो उस कंडीशन में पूरा डेटा जो है क्लियर करके देना चाहिए ताकि वो आपका डेटा यूज ना कर सके। तो आप थोड़ी देर वेट कर लेंगे, आपका फोन जो है रीस्टार्ट हो रहा है। और अगर आपका फोन हैंग कर रहा है बार बार, बहुत ज्यादा ही कुछ हैंग करता है, तो उस कंडीशन में भी आप उसको रीसेट कर सकते हैं। उसके बाद आपका फोन ऐसे चलेगा जैसे कि आपने अभी नया नया खरीदा है, तो उसके बाद आप दोबारा से उसको रिस्टोर करते हैं पूरा डेटा। तो यहाँ पे आपका फोन चालू हो चुका है, तो आप अपनी लैंग्वेज चुन लेंगे, उसके बाद इसको एक्सेप्ट कर देंगे तो आपका फोन चालू हो जाएगा। तो बीच वाला बटन आप दबा के आप देख सकते हैं आपकी जो भी कॉल लॉक्स हैं वो सारी गायब हो चुकी है और आपका फोन जो है नए तरीके से स्टार्ट हो चुका है। इसके बाद आप अपना व्हाट्सएप भी खोल के देख सकते हैं, यहाँ पे भी आपका डेटा जो है इरेज हो चुका है, तो आप बैक करके अपने कॉन्टेक्ट्स भी जाके देख सकते हैं। तो कॉन्टेक्ट्स में भी यहाँ पे जो आपके सिम में नंबर सेव थे खाली वही बचे हैं, और बाकी जो फोन में सेव थे वो सारे डिलीट हो चुके हैं। अब आपका फोन उसी कंडीशन में आ गया है जैसे आपने पहले नया नया इसको खरीदा था, और अब आप इसका डेटा जो है दोबारा से रिस्टोर कर सकते हैं और इससे पहले की जो प्रॉब्लम थी वो सारी सॉल्व हो जाएगी रीसेट करने से। इसी तरह आप कोई सा भी मोबाइल जो है रीसेट कर सकते हैं।